सो स्टूडेंट वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट, पेज नंबर 36, हनी बीज। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ने वाले हम हनी बीज, जिसको हम मधुमक्खियों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, देखो, हनी बी इज़ एन इंसेक्ट हु मेक स्वीट हनी। आप सबको मालूम है जो हनी बी एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो हनी प्रोड्यूस करता है। हनी बीज आर द सुपर इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर्स फॉर फ्लावर्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। जो हनी बीज होती हैं वो पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स मतलब जो पॉलिन एक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो हनी बीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स हैं फ्लावर फ्रूट और वेजिटेबल्स के। बीज ट्रांसफर पॉलिन बिटवीन द मेल एंड फीमेल पार्ट्स अलॉन्ग अलॉन्ग प्लांट्स टू ग्रो सीड्स एंड फ्रूट्स। जो बीज होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करती हैं, मेल और फीमेल ट्रांसफ़र करती हैं पॉलिन्स। पॉलिन्स होते हैं ना, आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है, प्लांट्स में बहुत जल्दी प्लांट्स उग जाते हैं या उनके सीड्स उग जाते हैं। हनी बीज कॉलोनीज में रहती हैं, जिनको हम हाइव्स भी बोलते हैं, छाता है ना, छाता जिनका आपने देखा होगा। देन द हनी बीज के मेंबर्स हैं वो थ्री टाइप्स में डिवाइड है, पहला क्वीन, दूसरा वर्कर, तीसरा ड्रोन्स। तो जो क्वीन होता है, यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट लिखा हुआ है कि एक क्वीन होती है वो पूरे छाते को चलाती है, मतलब पूरे छाते को, पूरे हाइव को रन करती है, चलाती है। उसका जो जॉब होता है, हर जॉब इज टू ले एग्स दैट विल स्पॉन द हाइव नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बीस। जो उसका जॉब होता है, जो उसका काम होता है कि वो अंडे देती है और हाइव को नेक्स्ट जनरेशन, मतलब नेक्स्ट जनरेशन के बीस। अब अंडे देगी तो उसमें से क्या होगा, मधुमक्खियाँ होंगी छोटे छोटे, तो वो नेक्स्ट जनरेशन के बीस को प्रोड्यूस करती है। द क्वीन ऑल्सो प्रोड्यूसेस केमिकल्स दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ द अदर बीस। जो क्वीन होती है वो ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करती है जो दूसरी जो मधुमक्खियाँ होती हैं उस छाते में उनके बिहेवियर को वो गाइड कर सकती है। देन सेकेंड पार्ट है वर्कर। दीज आर ऑल द फीमेल एंड देयर रोल आर टू फॉरेज फॉर फूड पॉलिन फ्रॉम नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। जो वर्कर्स में सभी फीमेल्स बीज होती हैं और इनका एक ही काम होता है कि ये फूड लेके आए कहाँ से, फ्लावर्स के नेक्टर और पॉलिन से। फ्लावर्स के जो ऊपर ऊपरी वाला हिस्सा होता है आपने देखा होगा, जिसको नेक्टर बोलते हैं, उसी से ये क्या बनाती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉरेज फॉर फूड बिल्ड एंड प्रोटेक्ट द हाइव क्लीन एंड सर्कुलेट एयर बाय ब्रीथिंग देयर विंग्स। इनका जो मेन काम होता है वो नेक्टर लाना है और छाते की रक्षा करना है, उनको प्रोटेक्शन देना है, छाते को बनाना है, और छाते के अंदर की जो हवा होती है वो अपने पंख बार बार फैला के सर्कुलेट करके जो हवा होती है वो क्लीन करना है। वर्कर आर द ओनली बी मोस्ट पीपल एवर सी फ्लाइंग अराउंड आउटसाइड द हाइव। जो वर्कर्स ही बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, जो आपने देखा होगा छाते के बाहर जो उड़ती हैं वो नॉर्मल वर्कर्स भी होती हैं। और लास्ट है ड्रोन्स। तो ड्रोन्स आर द मेल बीज। जो ड्रोन्स होते हैं वो हमेशा मेल बीज होती हैं एंड देयर पर्पस इज टू मेट विद द न्यू क्वीन। और उनका जो काम होता है वो जो नई रानी होती है उनसे मिलना होता है। सेवरल हंड्रेड बीज लाइव इन ईच हाइव ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड समर। काफ़ी सारी जो हनी बीज होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो हाइव छाते में रहती हैं। कब, कौन से सीजन में, स्प्रिंग सीजन और समर सीजन पे। तो क्वीन एक होती है, याद रखना। वर्कर्स जो होते हैं वो ऑल फीमेल बीज होती हैं और जो ड्रोन्स होते हैं वो पूरे मेल बीज होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है, दीज बजिंग बग्स प्रोड्यूस हनी एज फूड स्टोर इन हाइव ड्यूरिंग विंटर। ये जो बीज होती हैं ये इतना फूड स्टोर करती हैं कि उनको विंटर में प्रॉब्लम ना जाए। लकीली फॉर अस दीज एफिशिएंट लिटिल वर्कर प्रोड्यूस टू थ्री टाइम मोर हनी देन दे नीड, सो वी गेट इन्जॉय द टेस्टी ट्रीट टू। मतलब ये इतना ज़्यादा हनी बी स्टोर, सॉरी, हनी स्टोर कर लेती हैं, शहद इतना स्टोर कर लेती हैं कि उनको चाहिए होता है वन टाइम, लेकिन वो टू थ्री टाइम्स स्टोर करती हैं, इसीलिए हमको बहुत सारा हनी इनसे मिल जाता है। और फोर्थ पॉइंट पे लिखा, अगर क्वीन बी, जो क्वीन होती है, रानी होती है, जब वो मर जाती है तो वर्कर विल क्रिएट अ न्यू क्वीन बाय सेलेक्टिंग यंग लार्वा एंड फीडिंग विद अ स्पेशल फूड कॉल्ड रॉयल जेली। दिस इनेबल्ड द लार्वा टू डेवलप इनटू अ फर्टाइल क्वीन। ओके, जब इनकी रानी मर जाती है, हनी बी की जो मेन जो क्वीन होती है जब वो मर जाती है, तो जो वर्कर्स होती हैं, जो फीमेल बीज होती हैं,
वो सिलेक्ट करती हैं बिल्कुल यंग लार्वा, मतलब बहुत छोटा सा लार्वा जो न्यू बी होती है, जो पैदा होती है, उसमें से अपनी एक क्वीन बना लेते हैं ये लोग, और उनको स्पेशल फूड खिलाते हैं जिनका नाम जिसका नाम है रॉयल जेली। इससे इस लार्वा से जो डेवलप्ड होता है, जो रॉयल जेली खाने के बाद जो क्वीन नई डेवलप्ड होती है, वो बहुत फर्टाइल क्वीन होती है। नेक्स्ट है हनी बी आर फे फ्लायर, दे फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ अराउंड 25 किलोमीटर पर आवर एंड बीट देयर विंग्स 200 टाइम्स पर सेकेंड। इसका मतलब यह है हनी बीज होती हैं वो बहुत अच्छी फ्लाइंग कैट्स होती हैं, बहुत अच्छा फ्लाई करती हैं। उनकी जो स्पीड होती है वो 25 किलोमीटर 1 घंटे में वो उड़ सकती हैं, और 1 सेकेंड में अराउंड 200 बार वो पंख अपने फैलाती हैं, बीट करती हैं विंग्स, है ना। ईच बी हैड 170 ऑडोरेंट रिसेप्टर, विच मीन्स दे हैव वन सीरियस सेंस ऑफ स्मेल। दे यूज टू कम्युनिकेट विद इन द हाइव एंड टू रिकोगनाइज डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर वेन लुकिंग फॉर फूड। वो बोल रहे हैं हर बी के पास 170 टाइप के डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, जिनसे वो किसी भी चीज़ की खुशबू पहचान सकती हैं, है ना, अपने हाइव में छाते में बात कर सकती हैं, है ना। तो ये सब रिसेप्टर्स का काम है। देन एवरेज वर्कर बी लाइफ जस्ट फॉर 5 to 6 weeks, ड्यूरिंग दिस टाइम शील प्रोड्यूस अराउंड अ 12th ऑफ अ टी स्पून ऑफ अ हनी। वो बोल रहे हैं एक जो बीज होती है वो अराउंड 5 से 6 हफ्ते तक ही जिंदा रहती है, और इस टाइम में वो 12th पार्ट मतलब 12 टी स्पून ऑफ अ हनी बना सकती है, मतलब 12 चम्मच हनी वो प्रोड्यूस करती है। द क्वीन कैन लाइव अप टू 5 ईयर्स। ओके, याद रखना जो क्वीन होती है वो कम से कम 5 साल तक जिंदा रहती है। शी इज द बिजिएस्ट इन द समर मंथ व्हेन शी कैन ले अप टू 2,500 eggs a day। जो क्वीन होती है वो 5 साल तक जिंदा रहती है, और वो बिजी होती है समर के महीने में, जब वो हर दिन करीब 2,500 eggs देती है। हनी बी आर ऑल्सो ब्रिलियंट बूगीज टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट द बेस्ट फूड सोर्स, दे परफॉर्म देयर वैगल डांस। जो हनी बी होती हैं वो बहुत अच्छी डांसर्स होती हैं, जब उनको अच्छा खाना कहीं मिलता है और उस चीज़ को अपने दोस्तों से या अपने वर्कर से ड्रोन से जब उसको शेयर करना होता है, तो वो स्पेशल परफॉर्मेंस देती है जिसका नाम है वैगल डांस। सो दैट्स इट फॉर पेज नंबर 36। देन वी विल गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट पार्ट। अप टू नाउ थैंक यू।